हमारे इसी तरह के बेहतरीन डिजाइन देखने के लिए लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मल्टी कलर का डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी। ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। अगर ये डिज़ाइन आप हैंड फैन में या टेबल मैट में डालेंगे तो बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। और ये डिज़ाइन दोनों साइड में एक जैसा दिखता है, फ्रंट में इस तरह से आएगा और बैक साइड में भी सेम इसी तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीख लेते हैं इस डिज़ाइन को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इन कॉलम को काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 कॉलम हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब इसी के ऊपर 14 कॉलम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 कॉलम में हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर निकालने के बाद में इस साइड वाले कॉलम में आएंगे। अब फिर से इस कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्रॉस स्टिच बन जाएगा। एक ही क्रॉस स्टिच हमें बनाना है इस तरह से, और बैक में आते हुए इस तरह से नॉट लगा देंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे। एक कलर हमारा यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है इस तरह से, देखिए। अब इस क्रॉस स्टिच की चारों साइड में हम लीव्स बनाएंगे। तो देखिए, इसी कॉलम से काउंट करेंगे जहाँ पर मैंने क्रॉस स्टिच बनाया था। 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर मैंने सेकंड कलर ले लिया है। अब यहाँ पर आते हुए इसी कॉलम में आएंगे जहाँ पर काउंट किया था, जहाँ से इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपकी उल पतली है तो आप इस डिज़ाइन को डबल भी बना सकते हैं। तो इसी कॉलम में निकालेंगे, फिर से इस कॉलम में निकालेंगे तो डबल डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर निकाला है। इसके एक कॉलम ऊपर जाएंगे और यहाँ से काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम में बैक साइड से, बैक साइड में धागा है तो इस तरह से निकाल लेंगे और फिर से इसके ऊपर वाले कॉलम में जहाँ से हमने काउंट किया था 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर निकाल लेंगे। अब यहाँ से नीचे की साइड से आप देखेंगे तो एक एक कॉलम हम बढ़ाएंगे और ऊपर की साइड से कभी एक बढ़ेगा तो कभी दो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम यहाँ पर निकालेंगे एक कॉलम छोड़ के। देखिए, यहाँ से मैंने एक कॉलम ये वाला छोड़ दिया है, एक कॉलम ये छोड़ दिया है। दो कॉलम छोड़ने के बाद में अगले कॉलम में इस तरह से निकाल लिया है। अगर ग्रीन कलर को छोड़कर एक कॉलम बीच में देखेंगे तो एक कॉलम मैंने छोड़कर अगले कॉलम में इस तरह से निकाल लिया है। और यहाँ से आएंगे तो अगले कॉलम में निकालेंगे, एक कॉलम ऊपर जाते हैं फिर से एक कॉलम ऊपर जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर ऊपर की साइड में एक कॉलम ऊपर निकालेंगे इस तरह से, फिर से यहाँ से एक कॉलम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर भी एक कॉलम ऊपर जाएंगे। ऊपर की साइड से भी एक कॉलम ऊपर निकालेंगे इस तरह से और यहाँ पर आते हुए इसके बराबर में कॉलम में निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पर हम बराबर में निकाले हैं और यहाँ से एक कॉलम ऊपर जाएंगे, फिर से एक कॉलम ऊपर जाएंगे। अब यहाँ से एक कॉलम ऊपर जाएंगे, नीचे की साइड से एक कॉलम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम बराबर में ही निकाल लेंगे। यहाँ से एक कॉलम ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पर एक कॉलम ऊपर निकालेंगे। तो देखिए, ये दो बराबर बने हुए हैं और यहाँ पर ये वाले दो स्टिच बराबर बने हुए हैं। अब यहाँ पर आते हुए यहाँ से हम नीचे की साइड से एक एक कॉलम हम ऊपर की ओर बढ़ाते हैं इस तरह से। अब फिर से हम एक कॉलम ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखिए एक ही कॉलम बंद होगा इस तरह से। फिर यहाँ पर आते हुए इस कॉलम में आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड को लीफ बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से हम इस कॉलम में निकालेंगे, यहाँ पर आते हुए इसके साइड वाले कॉलम में निकालेंगे और यहाँ से हम एक एक कॉलम, देखिए इस बीच वाले कॉलम में हम इन्हीं कॉलम में निकालते हुए आएंगे और यहाँ से हम एक एक कॉलम जिस तरह से यहाँ पर है उसी तरह से इस साइड में निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से, फिर से अब आएंगे इसके बराबर में। यहाँ पर मैंने तीन बराबर निकाले हैं, 1, 2, 3, तो इसी साइड में 3 बराबर निकालेंगे और यहाँ पर आएंगे इसी कॉलम में।
यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर को निकाला है, फिर से इस कॉलम में आएंगे और यहाँ पर इसी कॉलम में निकाल लेंगे। तो देखिए सेम इतने में बनकर कंप्लीट हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर दिखेगा उसी तरह से इस साइड में दिखेगा। तो इसी तरह से हम ये दो बराबर में इस साइड में बनाएंगे, एक कॉलम नीचे आएंगे और यहाँ से आते हुए इस कॉलम में ही आएंगे, फिर से यहाँ पर इसके बराबर में निकालेंगे और इस कॉलम में निकालेंगे जहाँ पर मैंने ग्रीन कलर को निकाला है। अब यहाँ पर देखेंगे दो कॉलम बराबर बने हुए हैं, एक कॉलम नीचे आते हुए दो कॉलम बराबर बनाएंगे, एक बन चुका है, दूसरे को भी इसी तरह से बना लेंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ पर देखिए ये इस तरह से बराबर हो चुका है, तो ये दो हम एक एक नीचे आते हुए बना लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, इसी कॉलम में निकालेंगे, फिर से एक कॉलम हम नीचे आएंगे, जिस तरह से इस साइड में है उसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बीच का एक कॉलम छूटा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे, इस कॉलम में निकाल लेंगे इस तरह से और इस कॉलम में निकालेंगे। आप यहाँ पर कॉलम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और इस साइड में 1 2 3 4 5 सेम कॉलम है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 कॉलम में इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इसी कॉलम में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी लीव्स इस तरह से बनकर आएगी, वाइट कलर की मैट में बनाएंगे तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। एक लीव्स बन चुकी है और यहाँ पर हमारा ये सेकंड कलर कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसे नॉट लगाकर कट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक लीव्स बनाकर कंप्लीट कर चुके हैं, तो दूसरी लीव्स बना सकते हैं। तो आप इस साइड में भी बना सकते हैं और इस साइड में भी बना सकते हैं, इस साइड में भी बना सकते हैं। तो पहले मैं इस साइड में बना लूँगी, फिर यहाँ पर बनाकर बताऊँगी। तो देखिए इसी के सामने यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर को निकाला है, उसी के सामने दूसरे कॉलम में निकाल लिया है। अब यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में, तो 1 2 3 4 सेम इस तरह से मैंने यहाँ पर काउंट किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी बना लेना है। तब देखिए इसके सामने यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर पिंक कलर के कॉलम को छोड़कर एक कॉलम बीच में छोड़ेंगे, अगले कॉलम में निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दूसरी कॉलम से यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पर दूसरे कॉलम में निकाला है और बीच में एक कॉलम छोड़ दिया है, यहाँ पर आते हुए इस कॉलम से हम साइड वाले कॉलम में जाएंगे इस तरह से। या आप जो एक लीफ बना चुके हैं उसी के सामने सामने यहाँ पर निकालते जाएंगे। देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये वाला कॉलम निकला है, तो इसी तरह से निकालेंगे और यहाँ पर आएंगे इस कॉलम से ऊपर इस तरह से। देखिए इसी के सामने, ग्रीन कलर के सामने हमने निकाला है। या आप यहाँ से काउंट करेंगे पिंक कलर से, तो पिंक कलर का एक कॉलम हमने बीच में छोड़ दिया है, अगले कॉलम में निकाल लिया है और यहाँ से एक कॉलम ऊपर जाएंगे। अब यहाँ से हम एक कॉलम ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर। देखिए ऊपर साइड में मैंने एक कॉलम ऊपर ले लिया है, फिर से अब एक कॉलम ऊपर लेंगे। यहाँ पर पहले हम एक कॉलम ऊपर जाएंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 3 कॉलम हमने एक साथ, देखिए एक एक कॉलम ऊपर लिए हैं, यहाँ पर एक कॉलम बीच में छोड़े थे, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से बराबर के कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर बराबर के कॉलम में निकाला है, यहाँ से हम एक कॉलम ऊपर जाएंगे, फिर से एक कॉलम ऊपर की साइड से ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस कॉलम में आएंगे और यहाँ पर बराबर के कॉलम में आएंगे इस तरह से। यहाँ पर फिर से एक कॉलम ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक कॉलम हम ऊपर ले चुके हैं, तो यहाँ से हम एक कॉलम ऊपर जाएंगे नीचे की साइड से, फिर से एक कॉलम यहाँ पर बराबर में मैंने निकाल लिया है ऊपर की साइड में, यहाँ से हम एक कॉलम ऊपर जाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें एक ही रो में इस तरह से लपेट लेना है, देखिए इस तरह से, और सेम इसी तरह से इस साइड वाले कॉलम में निकालेंगे। यहाँ पर आते हुए फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे इस साइड में। अब यहाँ से हम जिस तरह से यहाँ पर थ्री कॉलम बराबर बनाए हैं, उसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे, तो 1 2 इस तरह से और ये थ्री वाला कॉलम इस तरह से बराबर बन जाएंगे। अब यहाँ से एक कॉलम नीचे की ओर आएंगे
तो आप जिस तरह से इस साइड में बनाते हुए आए हैं सेम इसी तरह से इस साइड में बना लीजिएगा। आप कॉलम को भी काउंट करके बना सकते हैं कि फ्रेंड जिस तरह से यहाँ पर कॉलम बढ़ाए हैं घटाए हैं उसी तरह से मैंने इस साइड में भी बना लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दो लीव्स हमारी बनकर इस तरह से कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इस साइड में बनाएंगे। अगर आप इस डिज़ाइन को तीन कलर से बनाना चाहते हैं तो दो पत्तियां आप इस तरह से बनाएंगे और दो इस साइड में एक जैसी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से मैट को घुमा लेंगे और यहाँ पर निकालेंगे जिस तरह से पिंक कलर निकला हुआ है उसी के सामने इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम इस कॉलम में ही निकालेंगे इस तरह से। कि फ्रेंड्स, इस तरह से चारों लीव्स एक जैसी बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। आप एक लीव्स बना लेंगे तो उसी को काउंट करते हुए चारों को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इस साइड से, अब यहाँ पर इस कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जितने कॉलम एक रो के दिखेंगे उन्हें हम एक ही बार इस तरह से लपेटेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लपेटते हुए चलेंगे। यहाँ से हमें दो कॉलम मिल जाएंगे, दो रो। तो यहाँ पर हम इस तरह से लपेटना शुरू करेंगे। यहाँ पर जो कलर आपने इस लीव्स का बनाया है उसी कॉलम में यहाँ पर निकालेंगे और फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, अगले कॉलम में जाएंगे। इस तरह से एक एक कॉलम जिस तरह से हमारे भरे हैं उसी तरह से हम भरते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर हम येलो कलर के कॉलम में ही सुई को निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक ही रो में इस तरह से निकालते हुए चलेंगे किनारी साइड में। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कॉलम छूटा है तो अगले कॉलम में हमने इस तरह से निकाल लिया है। फिर से आते हुए यहाँ पर इस कॉलम में निकालेंगे और सेम यहाँ पर आएंगे और इस कॉलम में निकाल लेंगे। तो पूरे डिज़ाइन को हम इसी तरह से फिल कर लेते हैं। धागा थोड़ा लूज रखें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ये रो छूटी हुई है तो इस साइड में भी हम एक रो को इसी तरह से ले लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम सेम जिस तरह से यहाँ पर बनाया है उसी तरह से यहाँ पर भी बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वाइट कलर को भी हमने इस तरह से भरकर चारों साइड में कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बनकर आ चुका है। आप इस डिज़ाइन को पूरी हैंड फैन में बनाइएगा, बहुत ही सुंदर हैंड फैन लगेगा। और देखिए ये बैक साइड से इस तरह से आएगा, पूरा डिज़ाइन बैक साइड में भी दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन, ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये डिज़ाइन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।